नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपकी अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 16 मार्च को पेपर होना है संस्कृत का, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो भी ग्रामर के टॉपिक होंगे वो अब मैं आपका पेपर होने से पहले कवर करूँगा शॉर्ट माध्यम से। मतलब पूरा जो है टॉपिक नहीं करवाऊँगा, लेकिन शॉर्ट बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आप हल करोगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक शेयर और कमेंट। देखिए, कक्षा 10 की संस्कृत के अंदर आज हम जिस सब टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है संधि। और दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेपर में संधि 4 नंबर की आती है। तो सबसे पहले देखो क्या तरीका है, दो क्वेश्चन आते हैं संधि के। एक क्वेश्चन तो आएगा आपका संधि विच्छेद का, यानी आपको संधि युक्त पद देंगे और उसका आपको विच्छेद करना है। ये विच्छेद आपके 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का विच्छेद आता है। और एक आपको संधि विच्छेद किया हुआ पद देंगे, उसको आपका समस्त पद बनाना होता है। उसका आपका संधि युक्त जो समस्त पद बनाना होता है वो भी आपके आता है 2 नंबर का। तो ये आते हैं 4 नंबर के। अब देखो, समझो, जैसे मैं आपको संधि विच्छेद वाला बताता हूँ कि जैसे आपको एक शब्द है दैत्यारी, दैत्यारी ये आपको शब्द दे दिया, ठीक है। और एक शब्द आपको दे दिया मदवरी, मदवरी। इन दो में पूछ लिया कि भाई इन दोनों की संधि विच्छेद करो और संधि का नाम भी बताओ ऐसे। और एक आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा जैसे दात्री प्लस अंश, और एक आ गया आपके नर, नर प्लस ईश, ठीक है। इस प्रकार आपके आ गया। अब देखो, ये तो है विच्छेद वाला और ये है युक्त वाला, यानी इनको पद को बताना है। अब आपको दैत्यारी की पहचान होनी चाहिए कि बीच में क्या रहा है आ, यानी अगर संधि युक्त पद में बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री आए, बड़ी री आए, तो दोस्तों वो क्या होगी? वो होगी दोस्तों दीर्घ संधि। वो दीर्घ संधि होगी, ये दीर्घ संधि की पहचान होती है। जैसे अब संधि विच्छेद करोगे तो दैत्य आरी का क्या होगा? दैत्य, दैत्य प्लस अरी, दैत्य प्लस अरी। और संधि का नाम लिख दोगे कौन सी? दीर्घ संधि, ठीक है। मध्वरी, मध्वरी क्या है? वह आपको ध्यान रखना है, ये वह रे और ले से पहले आधा वर्ण हो, से पहले आधा वर्ण हो तो वो संधि दोस्तों यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि, यण संधि। इस ई का जब आप विच्छेद करोगे तो इस य का बनाओगे ई, इस व का बनाओगे ऊ, इस र का बनाओगे री और इस ल का बनाओगे लरी। अब विच्छेद करोगे तो यहां बनेगा मधु प्लस अरी और संधि का नाम होगा यण संधि, ठीक है। अब देखो, अब हम इन दोनों का, ये आप इसको एक नोट डाउन कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अब देखो, नीचे वालों की बात करते हैं, दात्री अंश वाले की। अब आपको ये तो पता है कि विच्छेद ऐसा होगा, लेकिन संधि पद कैसे बनाओगे? अब देखो, नीचे वाली बात वही याद रखनी है, यहां क्या गया री, इधर ई ऊ री लरी दिया हो और बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ये यण संधि का उदाहरण होगा। इस ई का य बनाना है, इसका वय बनाना है, इसका र बनाना है, इसका लय बनाना है। री है तो क्या बनाओगे? रे। अब देखो, धातर रे ये हलंत है, ये सारे हलंत होंगे, ये रे भी हलंत होगा, धात्री प्लस अंश करोगे। अब देखो, तय ये तय और ये रे दोनों, ये तय भी हलंत होगा, ये दोनों मिलकर त्रय बनेंगे। तय और रे मिलकर क्या बनेंगे? त्रय। धात्री प्लस अंश होगा इस, सॉरी ये आपको जोड़ना है, सॉरी ये सब बनेगा धात्रांश, धात्रंश, धात्रंश शब्द बनेगा, ये होगा यण संधि का।
और ये नर प्लस इस, इधर ए हो इधर ई हो, ए बनेगा कौन सी संधि में, गुण संधि में, शब्द क्या बनेगा नरेश, ये शब्द बन जाएगा इस प्रकार। अब देखो मैं आपको स्वर संधि की पहचाने बताता हूं कि कैसे पहचानोगे कि स्वर संधि है, कैसे पहचानोगे व्यंजन संधि है, कैसे पहचानोगे विसर्ग संधि है। तो देखो सबसे पहले स्वर संधि के जितने भी भेद है सब की पहचान देख लो। अगर दीर्घ संधि है तो संधि विच्छेद अगर किया हो ए और ए मिलकर क्या बनेंगे आ, ई और ई मिलकर क्या बनेंगे बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेंगे बड़ा ऊ, री और री मिलकर क्या बनेगी बड़ी री, ऐसे लटकी हुई। और लरी का दीर्घ रूप होता नहीं है, इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, ये रेस्वरत है। ए ए हो तो भी आ बनेगा, यहाँ आ कर दोगे तो भी ये बनेगा, और इधर आ कर दोगे तो भी ये बनेगा, इधर बड़ी ई कर दोगे तो भी ये बनेगा, दोनों तरफ बड़ी ई हो तो भी ये बनेगा, इधर बड़ा हुआ तो भी ये बनेगा, इधर बड़ा हुआ तो भी ये बनेगा, इधर री बड़ी हो तो भी ये बनेगी, छोटी हो तो भी ये बनेगा, और लरी का लरी रहेगा। ये तो है सारे दीर्घ के, यानी दीर्घ के अंदर पहचान क्या रखनी है, आ की ई की ऊ की री की लरी की, ये पहचान याद रखोगे दीर्घ में। पहचान बात करते हैं गुण की, गुण के अंदर क्या ध्यान रखना है, ए या आ के बाद छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो क्या बनेगा ए बनेगा, ए और आ के बाद छोटी ई हो चाहे बड़ी हो क्या बनेगा ए। जैसे एक उदाहरण है रम्मा प्लस ईस, अब देखो आपको यहां ध्यान क्या दिख रहा है आ, यहां क्या दिखाई दे रही है बड़ी ई, शब्द क्या बनेगा आ और ई से क्या बनता है ए, ए बना दो। अब देखो बनाओगे कैसे, ये जो आ है इसको हटाकर इसके ऊपर ये मात्रा लगाओगे ए वाले, और ये बनेगा रमेश शब्द, यानी ये जो मात्रा है आ वाली इसको हटाकर यहां पर ए शब्द लाओगे। जैसे इसी के अंदर एक बनता है ए या आ के बाद ऊ, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ क्या बनेगा ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ। जैसे शब्द है पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार ये क्या है ए, क्या आ गया आगे ऊ, क्या बनेगा ओ, ओ बनेगा। तो अब ये ओ कहाँ लाना है इस रे के ऊपर, शब्द बनाओगे परोपकार, परोपकार शब्द बन जाएगा, इस प्रकार बनेगा परोपकार। आप देखो गुण के अंदर दो तीन और हैं छोटे छोटे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। गुण की चर्चा छोटी सी एक और है कि ए या आ के बाद री होने पर अर बनता है, जैसे महा प्लस ऋषि, तो इसका दोस्तों महाऋषि ने ओके क्या बनेगा महऋषि, और ये जो री है ये जो र है ये इस स के ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये दिखाई दे तो है गुण संधि, और इसी के अंदर आ लगा दिखाई दे तो है वर्धी संधि। एक और है इसका ए या आ के बाद यदि लरी का उदाहरण आ जाए तो इसका बनेगा अल, इसका क्या बनेगा अल। अब देखो इसके नेक्स्ट संधि है वर्धी संधि, वर्धी संधि की चर्चा करते हैं। वर्धी संधि के अंदर भी चार बनते हैं, ए या आ के बाद यदि ए हो या क्या हो आई हो तो बनेगी आई, क्या बनेगी आई, ए या आ के बाद ए हो चाहे आई हो तो क्या बनेगी आई। उदाहरण देखो कृष्ण ए, एक प्लस एक, अब देखो यहां क्या है ए, कह के अंदर ए मौजूद है और यहां सामने क्या है ए, तो क्या बनेगी
आई, आई बनेगी। अब आई के अंदर ये ध्यान रखने है, यहां ये एक मात्रा दिखाई दे रही है, इस के ऊपर कितनी लगानी है, दो, ये बनेगी ऐसे एक एक, आई की मात्रा लगानी है, आई की मात्रा दो होती है तो ये लगानी है आई की मात्रा, और ए की मात्रा पहली है ही, ए की मात्रा। इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर बनती है एक और वृद्धि, के अंदर बनती है ए या आ के बाद यदि ओ हो या क्या हो, औ हो, तो क्या बनेगा दोस्तों, तो बनेगा औ। कैसे, कृष्ण प्लस कृष्ण प्लस औत्सुक्यम, औत्सुक्य, कृष्ण प्लस औत्सुक्य। अब देखो यहां क्या है ए प्लस क्या है ओ, क्या बनेगा औ बनेगा औ, और उस औ की मात्रा लगानी है इस अणे के ऊपर, कृष्णौ औ तक्षुक्के, कृष्णौ तुत्सुक्के, ये बनेगा इसके अंदर। यानी यहां पर क्या लगानी है औ की मात्रा, यानी इधर ए और आ हो और सामने क्या हो, चाहे ओ हो चाहे औ हो, दोनों में से कोई हो तो क्या बनेगा औ। अब देखो एक और इसके अंदर ध्यान रखने वाली है वृद्धि संधि के अंदर, ए या आ के बाद यदि री हो तो बनाना है आर, और यदि उदाहरण आ जाए ए या आ के बाद यदि लरी हो तो बनाना है आल। अब इसकी अयादि संधि देखते हैं, अयादि संधि ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने वाली संधि है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अंदर देखो क्या है, ए ओ आई और औ, प्लस से पहले ये हो, प्लस से पहले यानी इस साइड में, प्लस से पहले ये हो और इसके बाद कोई भी स्वर हो, यानी कोई भी स्वर हो तो इस ए का तो बनाना है आई, इस ओ का बनाना है औ, इस आई का बनाना है आए, और इस औ का बनाना है आवे। ठीक है, ए का आए, ओ का औ, आई का आए, ओ का औ। अब देखो उदाहरण के साथ समझाता हूं कैसे बनाओगे। जैसे एक शब्द है, हाँ एक शब्द है पवन, पवन शब्द है। अब देखो ये क्या है, वह अव है, क्या है औ। अब अव कहाँ आ गया, यहां आ गया, तो यहां क्या बनेगा ओ, तो ये पो बनेगा, पो प्लस है अन। अब जैसे एक शब्द है, नायक, नायक एक शब्द है। अब यहां क्या रहे आय, आय कहाँ है, ये रहा आय, तो क्या बनेगा आई, नई, नई प्लस अक, ये बनेगा नायक। जैसे आय वाला देखते हैं, आय वाला नयन, नयन शब्द है, नयन तो आय है, तो क्या बनेगा ने प्लस है अन, अन। और ये है आव वाला, इसका एक और देख लेते हैं, इसका देखते हैं आव, यानी भावुक, भावुक, भावुक शब्द है, तो आव शब्द तो है ही, तो इसका बनेगा भाव प्लस उक, ये उक है, उक है, ये बनेगा भावुक, समझ गए। तो इस प्रकार अयादि संधि को हल करने का तरीका है। तो दोस्तों आज मैंने आपको संधि के अंदर स्वर संधि का पूरा बता दिया है मैटर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं व्यंजन और विसर्ग संधि का पूरा मैटर क्लियर करवा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्वर संधि एकदम समझ में आ गई होगी। आप स्वर संधि का अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करके आओगे। व्यंजन संधि का विसर्ग और व्यंजन और विसर्ग का वीडियो आपको थोड़ी देर बाद, मान लिया लगभग आधी एक घंटे बाद मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।